शर्मा की बजाय इंटीरियर डिजाइनर तृप्ति देव ने मेरे को सुंदर और आकर्षक रूप प्रदान किया है। राजस्थानी कल्चर से सजा मेरा दर्शकों को लुभा रहा है। रंगीन शावर से बहता पानी और गुलाबी ठंड में उठती फुहारों से दर्शक मंत्रमुग्ध नजर आ रहे हैं। पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर राजस्थान को कवि कालिदास के आंगन में उतार लाए डिजाइनर तृप्ति देव के अनुसार उन्होंने राजस्थान के हर कल्चर को मेले में मूर्त रूप देने की नई पहल की है। मैंने अपने डिजाइनर वैसे डिजाइनर हूँ तो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कुछ नयापन देने की। अभी तक जो लोग देख रहे थे वही कपड़ों में लिपटी हुई पुतलियाँ और वही सब कुछ, तो मैंने उसको कुछ चेंज किया है। मैंने कोशिश की है कि एक राजस्थानी गांव में जैसा घर होता है वैसे इसी उसी टाइप से एक घर को सजाने का, जो राजस्थानी औरतें सजाती हैं उस टाइप से इसको सजाने की कोशिश की है। एक हट दी है, झोपड़ी दी है राजस्थानी, और उसके अंदर अगर एक घट्टी अवेलेबल होती है उन लोगों के पास या छाछ मछलियाँ होती हैं जो भी उन लोग आर्टिकल्स रखती हैं राजस्थानी औरतें, वो सब इसमें रख के लोगों को इन चीज़ों से भी परिचित करवाना है कि राजस्थानी लोग किस टाइप की चीज़ें घर में रखते हैं। प्लस उसी के साथ में मैंने कोशिश की है कि कुछ नयापन देते हुए राजस्थानी घरों के आंगन जिस टाइप से सजाए जाते हैं तो उस टाइप से इनको सजाया है मैंने। उसके साथ ही कुछ मांडने जो होते हैं जनरली राजस्थानी शादियों में किए जाते हैं उनके लिए स्पेसिफिक मांडने होते हैं शादियों के, तो राजस्थानी मांडने मैंने दीवार पे पूरी शादियों के मांडने बनाए देखिए। सक्सेस की बात तो ये है कि लोगों को बहुत पॉजिटिव मेरे को ये रिमार्क पहुँचे हैं मुझ तक कि जहाँ तक मतलब मुझ तक पहुँचे हैं वो ये रिमार्क पहुँचे हैं कि अभी तक जो मिल रहा था उससे एक नया पर मिला है। मेले में लोक कलाकारों के नृत्य से भी दर्शक काफी उत्साहित हैं।